अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप True Media चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूले। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको True Media के कार्यक्रम एक मुलाकात में ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार में बतौर शिक्षिका, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य के रूप में 40 वर्ष दिए। आपको प्रकृति, पेंटिंग, म्यूजिक, समाज सेवा, पर्यावरण, योग आदि से बहुत लगाव है और विशेषता आपका लेखन हिंदी इंग्लिश में रहा है। लेखन की बात हुई है तो आप गीतिका, छंद, कुंडली, कुंडलियां, मुक्त छंद, वर्ड पिरामिड, हाइक्यू, माहिया, टांका, लघु कथा आदि लिखने में माहिर हैं। सूक्ष्म लता जी, आपका True Media कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपके साथ पहला प्रश्न साझा कर रहा हूँ, आपने अपने 40 वर्षों के समय में कितने छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की? हो सकते हैं 50,000 से भी ज़्यादा, क्योंकि इतने वर्षों में विभिन्न विषय पढ़ाए। प्रधानाचार्य के रूप में हमारे स्कूलों में 2,500-3,000 बच्चे भी होते हैं, तो मेरे ख्याल 50,000-60,000 बच्चे तो मेरे संपर्क में आए ही होंगे। आपने 40 वर्ष तक शिक्षा को दिए हैं, उनके कुछ विशेष पहलू जो अनछुए हैं उन्हें हम हमारे साथ साझा करें। देखिए, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो ये एक रोज़गार तो है ही, लेकिन रोज़गार से ज़्यादा इसमें आपका समाज सेवा और कल्याण की भावना, बच्चों के प्रति स्नेह, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम एक कैरियर के रूप में ना देख के एक मिशन के रूप में अगर देखते हैं तो हम सफल होते हैं। बच्चे, हर बच्चा एक अपने आप में कच्ची मिट्टी की तरह होता है। बिल्कुल। जिसको शिक्षक जो है अपने स्नेह से, दुलार से, अपने टैलेंट से उसको एक शेप देता है, और जब वो खूबसूरत शेप बन के आती है तो लगता है जैसे जीवन सार्थक हो गया। तो मेरे लिए मेरा कैरियर तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा एक मिशन के रूप में मैंने हमेशा अपने काम को देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व को विकसित करने और सशक्त करने में कैसे माहिर हैं, कैसे करते हैं? देखिए, ये तो प्रभु की अनुकंपा है, और जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जो कथनी और करनी जो है वो आगे बच्चों को भी छूटी है। उनके इतने निश्चल होते हैं बच्चे, तो जब हम उन्हें पूरा अनडिवाइडेड लव देते हैं हम उन बच्चों को, तो वो बच्चे आपको अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मान देते हैं। बिल्कुल। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बच्चों का बहुत स्नेह मिला। तो मैं बच्चों के साथ सबसे पहले तो सुबह जब असेंबली होती थी तो उसमें रोज़ किसी ना किसी विषय को लेकर उनको मॉरल एजुकेशन के बारे में बताना, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, अगर त्यौहार है तो त्यौहारों के महत्व के बारे में बताना, जीवन के जो कभी कभी समस्याएं आती हैं। आज बच्चे बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, माँ बाप वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कोई उनके साथ उनकी टेंशन साझा करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है बहुत बार जी। तो जब वो बच्चे इस तरह की परेशानियां लेके आते हैं और अगर हम में वो कन्फाइड करके अपनी परेशानी साझा कर लेते हैं तो ना केवल उनकी वो परेशानी दूर हो जाती है अपितु तो उनके में निखार भी आता है, उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कैसे जीवन को सामना करना है। बहुत बढ़िया। तो भगवान की अनुकंपा है, और विल, अगर आपकी विल पावर है, आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा होती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। सुश्रुता जी, ये बात है संस्कारों की, अब बात करते हैं पर्यावरण प्रेम की। आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं, बच्चों को कैसे आप पर्यावरण के बारे में बताते हैं? मैं बड़ा, मेरा सौभाग्य रहा, और मुझे बहुत, जो हमारे विद्यालय थे बहुत बड़े थे और उनमें हमेशा ज़रूरत होती है बच्चों को ट्री प्लांटेशन के प्रति जागरूक करना, कैसे वो महत्वपूर्ण है। तो हम लोग
वृक्षारोपण लगभग प्रत्येक वर्ष करते थे। और न्यू कोंडली मेरा एक स्कूल था जहाँ हमने लैंड फिलिंग हुई थी, बहुत बड़ा गड्ढा था करीब 1.5-2 एकड़ में, तो वो महीने भर उसकी लैंड फिलिंग हुई, तो उसके बाद वो रेत उड़ती थी। तो बच्चों के साथ एक मुहिम हमने चलाया कि हर क्लास के सामने की ये काम, मैंने गांधीनगर में भी विद्यालय था, तो हर बच्चा जो है अपनी कक्षा के सामने का जो जगह होती थी हम उनको पौधे लाके देते थे और वो उसको बच्चे मेंटेन करते थे। ड्यूटी लगती थी, उनको पानी देना है, उनकी गुड़ाई करना है, सूखे पत्ते निकालना है, और फिर हर हफ्ते हम उनको जिसकी बेस्ट क्यारी होती थी उसको प्राइज देते थे, पुरस्कृत करते थे, और फिर पूरे साल के अंत में हम उनको पुरस्कार देते थे। तो उससे बहुत बच्चों में एक ऊर्जा आती है, एक शक्ति आती है कि हमें भी करना है। और अब वो जो है वो स्कूल मेरा शांतिवन लोग कहते हैं, इतने वृक्ष है वहाँ पर। क्या बात है। अब हमारी वृक्षों के संस्कार की बातों के बाद में हम आपसे बात करते हैं आपकी कुछ उपलब्धियों की के बारे में भी बताएं। देखिए, भगवान की मेरे पर बहुत कृपा रही, मेरे काम को सराहा गया बच्चों द्वारा, मेरे प्रशासकों द्वारा, मुझे राज्य शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिल्ली सरकार, बहुत बढ़िया, बहुत। और अनेकों पुरस्कार, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, मिलेनियम टीचर अवार्ड है, परफेक्शन इन सोसाइटी ने एजुकेशन दी, इंदिरा पुरस्कार है, राधा कृष्णन अवार्ड है, टू नेम अ फ्यू, बहुत सारे पुरस्कार मिले। और मेरा सबको आभार है, अभिनंदन है कि मैंने अगर कुछ अपना अफर्ट किया तो उसके लिए मुझे सम्मानित किया। शुभकामनाएं आपको। अगले सवाल पर हम आते हैं, आप घर परिवार समाज पर्यावरण लेखन साहित्य ये सब कैसे मेंटेन कर लेते हैं? देखिए, अभी मैंने इच्छा शक्ति की बात की जी, जब किसी चीज़ में हमारा लगाव होता है जी, प्रेम होता है, तो काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं लगता। आप में भगवान इतनी ऊर्जा देता है कि बस सब काम हो जाते हैं, ये प्रभु की अनुकंपा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है। कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया। जी जी जी। अब हम लोग अभिभावकों की बात करते हैं, आपको बहुत अच्छा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के साथ जी। आप हमारी ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं, ये कोई हमारा बिजनेस नहीं है कि हम उसमें अपना इन्वेस्टमेंट पैसा और टाइम का कर रहे हैं। बच्चे हमारी जिम्मेवारी है, हमने उन्हें बेस्ट जो है, जैसे एक पौधा होता है उसको बेस्ट पानी, खाद और प्रेम की ज़रूरत होती है। आज हम उनको मटेरियल्स तो देते हैं, हम सोचते हैं प्रेम का मतलब है महंगा खिलौना दे देना या उनको महंगी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दे देना, लेकिन बच्चे को सबसे ज़्यादा अभिभावकों के, माँ बाप के प्रेम की ज़रूरत होती है। आप अगर 5 मिनट बच्चे के साथ बैठकर उसने पूरा दिन में क्या किया वो डिस्कस करते हैं, तो शायद आपने अगर 5,000 का भी खिलौना दे दिया उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जो आपने 5 मिनट उसके साथ स्पेंड किए। मैं छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगी। एक बार एक लेख लिखने के लिए कहा गया कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। बहुत आंसू आ जाते हैं सुन के। एक बच्चे ने लिखा कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। टीचर ने पूछा तुम मोबाइल क्यों बनना चाहते बेटा, तो उसने बोला कि सारे जने सारा दिन मोबाइल को ही देखते रहते हैं जी जी। मम्मी पापा भी घर आते हैं तो मोबाइल को देखते रहते हैं, है ना। तो अगर मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो कम से कम मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ देखेंगे, तो क्या बात है। सो दिस वाज एन आई ओपनर, व्हाट आर वी डूइंग। हमारे बच्चों को हमारा समय चाहिए, हम बात भी कर रहे हैं, हमारी आंखें मोबाइल की तरफ है, ये आज एक बहुत बड़ी विषत स्थिति है जी जी। तो पेरेंट्स को चाहिए, वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दे डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू। तो अगर बच्चे, आप शाम को घर आते ही आप 2 मिनट पहले बच्चे से बात करिए, आप जितने भी थक के आए हैं आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी, बहुत बढ़िया, बच्चे के सानिध्य में। और वो 2 मिनट जब आपने दे दिए बच्चे को, उसकी बात सुन ले, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है वो बात आप सुन ले, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहें, बच्चे को कोई शिकायत आपसे नहीं रहेगी।
और दूसरा हम अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या जो हमारी एस्पिरेशंस हैं उनको बच्चों पर मत ला दें। नेवर कंपेयर। हम परिवार में ही करते हैं, ये मेरा बड़ा बेटा तो बड़ा होशियार है, छोटा बेटा थोड़ा स्लो है। आई विल एडवाइज नेवर एवर कंपेयर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की आपस में या बाहर वालों के साथ कभी भी तुलना ना करें। हर बच्चा अब करेला करेला है, सेब सेब है, हर एक की अपनी क्वालिटीज हैं और दोनों के अपने गुण हैं। एक्सेप्ट देम एज दे आर एंड बी सपोर्टिव। बच्चे की बात सुनिए। बच्चा आके कभी कुछ कहता है तो अगर उसने कुछ खराब किया, हम उसे बोलने ही नहीं देते, हम उसे डांट देते हैं। उसके बाद बच्चा झूठ बोलेगा आपसे, आपसे छुपाने लगेगा। आप बच्चे की पूरी बात सुनिए। ये मेरा अपना अनुभव अपने बच्चों के साथ भी। जी जी जी। बच्चे जैसे ही हम घर में घुसते थे, जो पूरा दिन में खराब बात हुई होती थी वो पहले बताते थे, एंड मैंने कभी उन्हें उस पर उस समय नहीं डांटा। जी। मैंने उनको पूरा कह लेने दिया। फिर जब सब सहज हो गया, कोई बात नहीं बेटा, विल चेक, मम्मा गलती हो, कोई बात नहीं, विल चेक। और जब सब सहज हो गया, फिर बच्चे को समझाया, देखो बेटा आपको खुद ही लग रहा है ना कि आपने गलत किया, तो बच्चे को एहसास करवाइए। बिल्कुल, ताकि दोबारा गलती ना हो, ताकि वो उससे रिपीट ना हो। और अगर गलती हो गई है तो पेरेंट्स एज अ ब्लाइंड सपोर्ट होना चाहिए बच्चे के पीछे। आज बच्चे जाके पंखों से लटक रहे हैं, बिल्डिंगों से छलांगे लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बच्चे को ये, हमारे पास बच्चे आते थे, मैम आप चाहे हमारी जान निकाल लो पर हमारे पेरेंट्स को मत बताओ। तो मैं कई बार मजाक में कहती थी कि हाँ मुझे हार्ट अटैक करा दो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए। तो बच्चे नहीं चाहते कि वो अनहैप्पी हो जाएंगे, तो आप अनहैप्पी मत होइए। देखिए जब हम चलते हैं, हम गिरेंगे भी उठेंगे भी, ये तो स्पीड ब्रेकर्स होती है, गलतियाँ तो स्पीड ब्रेकर्स होती हैं। आपने एक बार समझा दिया, अगली बार नहीं होगी, है ना? तो वी हैव टू बी पेशेंट विद द किड्स। उनको बहुत प्यार दीजिए। और ज़रूरी नहीं होता है कि 100% नंबर लेने वाला ही बेस्ट होगा। मैंने देखा है एवरेज जो मीडियोकर बच्चे हैं ज़िंदगी में जाके बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बहुत मैं डांट भी लगाती थी उनको, समय लगता भी था, मैडम हमें ही डांटती हैं। आज जब वो कभी कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, एंड जैसे एक लड़की 13 साल पहले मेरे साथ थी, अब वो डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में, तो उसने मुझे फेसबुक पे ढूंढा, तो वो अपनी उपलब्धियों में लिख रही है कि 2018 की मेरी उपलब्धि है कि मैं अपनी मैडम को मिल पाई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो दिस इज इट, बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों को प्यार दीजिए। प्यार सामान से नहीं होता, उनको आपका समय चाहिए। गिव देम टाइम। सुष्मिता जी, आपने मेरा बचपन याद दिला दिया। ट्रू मीडिया में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य है। आपके माध्यम से मैं अभिभावकों और बच्चों से जुड़ी, हो सकते हैं मेरे बहुत से बच्चे जो जिनको मैंने कभी बहुत डांटा भी होगा वो भी देख रहे होंगे, तो दे आर वेलकम। वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अभी भी मैं उनके लिए हूँ। किसी को कोई भी समस्या हो, अभिभावकों को हो, दे कैन कंटेक्ट मी। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के, समस्याओं के समाधान दे सकें, हमेशा की तरह। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूले। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।